लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर। ये श्री हरे मुरारी जी का घर है, यहाँ के बड़े अफसर। अंग्रेजी सरकार ने एक जमाने में इनको नॉमिनेट किया था, यानी कि ये बगैर इम्तिहान पास किए ही अफसर बन गए। साहेब बहादुर से बहुत जरूरी मिला हूँ। भाई साहेब बहादुर से मिलेंगे, जाओ जाओ। साहब बहादुर से मिलना है, जरा मुश्किल है। इतना मुश्किल भी नहीं है। शुभ नाम? सेठ सुंदरलाल। ओ सुंदरलाल। हेलो। सेठ सुंदरलाल जी आए हैं। पहले मंदिर ले जाओ। समझा हुजूर, जाए जाता हूँ। जाए साहब तैयार हो रहे हैं, अगर मंदिर हो चाहिए। मंदिर? हाँ चढ़ावा। ये जज साहब का घर है, श्री न्याय स्वरूप भल्ला। आज फैसला सुना ही दीजिएगा। तुम्हारी शक्ल देखी हुई, तुम पहले भी कभी आए थे? जी नहीं, पिछले साल मेरा बाप आया था, आपने बड़ी लंबी तारीख दे दी थी, वो बेचारा मर गया, इसलिए अब के मैं आया। कोई बात नहीं, आज फैसला सुना ही देंगे। सरकार आपके लिए घी का कनस्तर लाया था। क्या घी में चुपड़ कर मैं फैसला सुना दूंगा? चलो ले जाओ यहाँ से, आज फैसला नहीं होगा। क्या इसमें असली घी है? जी बीबी जी, खालिस अपने घर का बनाया हुआ है। अच्छा, तो फिर ले आओ अंदर। अरे आ जा। ये यहाँ का एक अस्पताल है, यहाँ के डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हैं सुखेश्वर गुप्ता। थैंक यू। नर्स कॉफी अच्छी है और तुम कॉफी से भी अच्छी हो। अच्छा। कितनी अच्छी हो? काफी अच्छी हो। डॉक्टर साहब उल्टी आ रही। कॉफी पियो, सीधी हो जाएगी, जाओ। कॉफी? सर ऑपरेशन की तैयारी करूं? जो चाहे करो, लेकिन सिनेमा की तैयारी जरूर करो। ये घर है लाला फकीर चंद जी का, यहाँ के जंगलों का महकमा इन्हीं के पास है। एक साड़ी मांगी वो भी नहीं लाके दी। क्लब में सब अफसरों की बीवियां सज-धज के आती हैं। मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे सिर्फ तुम्हारा ही गुजारा होता। मेरी तरफ देखो, फकीरों की तरह रहता हूँ और नाम भी फकीर चंद। और ये यहाँ का कॉलेज है। वही सर, पिछले साल भी वो कई ज्यादा आए थे। यार मेरा भाई भी आया हुआ है, उसे भी एडमिशन चाहिए। ये प्रिंसिपल साहब हैं, श्री दीनदयाल जी। नमस्कार सर, ये जो नए लड़के भर्ती होने आए हैं उन सबकी मुझे लिस्ट बना लिए सर। हाँ, ये थर्ड क्लास में पास हुए हैं और ये दाखिले के लिए 500-500 रुपये देने को तैयार है। चंदा चंदा। और ये सेकंड क्लास में पास हुए, ये सिर्फ 200-200 रुपये देने को तैयार है। चंदा चंदा चंदा। हाँ सर। और ये फर्स्ट क्लास वालों की लिस्ट है, ये कुछ देने को तैयार नहीं है। जी।
हाँ तो जाहिर है कि 500-500 रुपए देने वाले ज्यादा होशियार हैं, पहले उनको बुलाओ और उसके बाद वो 200-200 रुपए वालों को बुलाओ, और अगर फिर कोई जगह बची तो ये फर्स्ट क्लास वाले आलतू फालतू भी कुछ ले लेंगे। इतना खुला है। ये यहाँ के पुलिस अफसर हैं श्री पशुपतिनाथ जी, शायद इन्होंने भी कोई इम्तिहान पास नहीं किया। अपने पिताजी से मेरा नमस्कार कहना। जी दोनों आगे दीजिए। अच्छा लेकिन उसे पकड़ेंगे तो हमारी इंक्वायरी हो जाएगी। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अभी रहने दो, जेवर सब साथ ले गई? ना जी, गहना लता सब छोड़ गई। साहब जेवर मेरे पास घर में है। पिंगली, अभी मेरे शेर आते ही होंगे। आए पापा, आज बहुत कीमती माल लाया हूं। अच्छा दिखाओ तो सही बेटे। वाह वाह क्या बात है। और पिंगलिंग भी बड़ी देर से हम लोगों का इंतजार कर रहा है, सुना कुछ माल लाया है। अच्छा आए पिंगली। Good. 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 Very good. Good one, you know. Yeah. It's good, John. Good, good, good. Yeah. Baba. Ah. इस दफा पिंगलिंग माल बहुत अच्छा लाया है। 371 हॉलैंड। इसका खरीदने वाला शाम को आएगा और ये सारी घने अपने कब्जे में ले लो और हम
हमारी तरफ से यह माल साहब बहादुर को दे देना, वो खुद समझ जाएंगे, और शमशेर को भी साथ ले देना। नमस्कार। हम जरा मंदिर में दर्शन करके आते हैं। अच्छी बात है। हेलो अजय सिंह। हेलो शमशेर। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? जी अच्छे हैं, आपको सलाम भेजा। हमारा भी सलाम कहना, और कहना कि अगले हफ्ते हमारा जन्मदिन है। जी समझ गया। ओ जीते रहो जीते रहो। कुछ चाय बाय पियोगे? जी नहीं, बहुत दूर जाना है, आगे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय 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 बाय। राम सिंह जी जी, चेनू सिंह को भेजो। अच्छी बात। थैंक यू मम्मी। अरे जल्दी चलो, सब बाबू याद कर रहे हैं। वकीलों, ठेकेदारों और दुकानदारों से कहो कि वो जरूर आए और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए। हुजूर, शहर में एक भी बनिया नहीं बचेगा। नहीं, और फिर जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है सरकार। अरे हाँ, हम टच पूंजिया अफसर हैं, खानदानी नहीं। हम टच पूंजिया नहीं, खानदानी अफसर हैं। हाँ, और कोई इम्तिहान इम्तिहान नहीं दिया, सरकार ने चुना, अफसर बना दिया। अफसर ही हमारा खानदानी पेशा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाओ हम फौरन जाते हैं और सारे शहर का चक्कर लगाते हैं। अरे नमस्कार 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 महाराज, क्या पिएंगे आप लोग? चाय चाय चाय। मंगलवार जो कब चाय लाना महाराज। कैसे पधारना हुआ आप लोगों का? हमारे साहब बहादुर का जन्मदिन आ रहा है अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? लेकिन छह महीने पहले भी तो था, वो तो बहुत महंगा पड़ा था। वो मेम साहब का था, सस्ता था यार, सस्ता था। हाँ, हमारे साहब बहादुर बहुत अच्छे हैं। तुम बड़े बेवकूफ, तुम्हें किसने कहा था यूं करने को? तुम बड़े बेवकूफ करने को। साहब आपकी चिट्ठी। जनाब, जन्मदिन पर सब आ रहे हैं और सब कुछ ला रहे हैं जी। अरे जन्मदिन को मारो गोली, जाकर मेरे दो तत्थनों से कहो कि मुसीबत का वक्त आ गया, जल्दी यहाँ आए। मुसीबत? जाओ जाओ, आफत आ रही है, जाओ जल्दी जाओ। बहादुर ने फौरन बुलाया, कोई फैसला करना। फैसला करना करना करना, फैसला फैसला। मन मन बहुत परेशान है, परेशान है, बहुत बहुत बहुत। जल्दी जल्दी बुला, जल्दी बुला, जल्दी जल्दी जल्दी। परेशान है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, खतरा खतरा, बहुत खतरा। चलिए जल्दी 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 जल्दी। हाँ
बुलाए जल्दी बुलाए एकदम। मैं तो जंगल जा रहा हूँ। हाँ। नहीं 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 जंगल होंगे बाद में, सब बाद में, सब बाद में, सब बाद में, बुलाए बाद में, जल्दी 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 बुलाया, जंगल बाद में, जंगल बाद में, सब बाद में, पहले बुलाया जल्दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत खराब है, थर्मामीटर लेके आना। नर्स को भी ले लो। नहीं, नर्स को छोड़ के आना। छोड़ दो, छोड़ दो, थर्मामीटर की, थर्मामीटर लेके आना। थर्मामीटर बुलाया, चल थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर। ओ प्रिंसिपल साहब, कर रहा हूं। ओ साहब बहादुर बड़ी मुश्किल में, बड़ी परेशानी में। आपकी सलाह चाहिए। मशवरा, मशवरा, सलाह, सलाह, मशवरा। अरे सलाह, मशवरा, जल्दी 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 आइए, जल्दी आइए। अरे हुआ क्या है? अरे हो गया, हो गया, कुछ हो गया जी, बहुत कुछ हो गया, हो गया, हो गया बाबा, हो गया। ओहो जल्दी। क्या हुआ, क्या हुआ? चिट्ठी। खैरियत तो है? चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी। क्या है चिट्ठी में, क्या है? किसी साहब मैं जंगल जा रहा था फिर भी हाजिर हो गया। तबीयत तो ठीक है ना? जब कोई खास बात होगी तभी बुलाया ना। क्या बात है? मेरे पुराने दोस्त हमसाद की बड़ी खतरनाक चिट्ठी आई है। तो इससे हमारा क्या वास्ता है डीसी साहब? वास्ता है तभी तो आप लोगों को बुलाया है, हम सब की नौकरी खतरे में है। तो आप घबराते क्यों हैं? क्या लिखा है चिट्ठी में सुना दीजिए ना। सुनाता हूँ, अंदर चलो, दरवाजा बंद करके सुनाता हूँ। आप बंद करके चलो, चलो चलो, बंद कर देना पड़ना चाहिए। अरे अरे अरे, हमें क्यों बुलाया? अरे भाई तो हम जो है सुनाइए। प्यारे दोस्त मरे हुरारी। अरे मुरारी, तो मैंने क्या कहा है? मरे हुरारी, पढ़िए ना। प्यारे दोस्त मरे, अरे मुरारी, दिल्ली में सरकार को पता चल गया है कि आपके इलाके में बॉर्डर से सोना बाहर जा रहा है और बाहर का कुछ माल देश में आ रहा है। तुम्हारे बारे में और भी गंदी खबरें सुनने में आई हैं। जाहिर है कि हम सब की बात कर रहा है। अभी तक तो सिर्फ आपके बारे में ही। आप आगे पढ़िए ना, पढ़िए, आगे पढ़िए। पढ़ता हूँ, इसलिए आपके शहर में जासूसी करने के लिए एक खुफिया ऑफिसर भेजा जा रहा है जो आप सबका भेद लेगा और सरकार को रिपोर्ट करेगा। जरा जल्दी कीजिए, इन्हें जंगल जाना है। हाँ। मैं तुम्हें इसलिए चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि रिश्वत के मामले में तुम नंबर एक हो। ये मेरा दोस्त है हरामजादा कुल्लू का पट्टा। गाना बंद। हमको तकलीफ होती है, पढ़ो जी। ये नौजवान अफसर, नौजवान है, तुम अंदर जाओ जी। ये नौजवान अफसर कई भेष बदल कर आता है, कभी दर्दी, कभी बावर्ची, कभी गवैया वगैरह वगैरह, यानी हर फन मौला है। ये हर फन मौला क्या चीज है? बड़ी कुत्ती चीज है। कुत्ती, कुत्ती तुमर में। हो सकता है कि ये बहरूपिया अफसर तुम्हारे शहर में पहुंच चुका हो या पहुंचने वाला हो। बेहतर है होशियार हो जाओ और अपने बाकी अफसरों को भी होशियार कर दो। बस सुनिए, आपने बस यही खत। भाई सोचने का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है।
कुछ करो वरना वो पहले कुछ कर जाएगा। चलो कुछ करना चाहिए, मामला बहुत खतरनाक है, जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए। जो कुछ करना है आप लोग कीजिए, मेरा मन तो साफ है, मैं कोई गोलमाल नहीं करता। सुना है आपके घर में देसी घी इस्तेमाल होने लगा है। नहीं 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 हरगिज नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बीवी से पूछूंगा। हाँ पूछो पूछो। अच्छा तो मैं अब जंगल जा सकता हूँ? क्यों, सच सुनते ही असर हुआ? अरे भाई इतना तो मालूम करो वो कहीं आई ना गया हो। अरे ठेनू ठिंकू। यस सर। अरे इधर देखो। सुन लिया, सब सुन लिया, कान खोल कर सुन लिया जी। फिर मुंह क्या देख रहे हो, जाकर देखो कहीं वहां तो नहीं गया। भागो भागो। अरे उधर कहाँ भाग रहे हो, इधर भागो इधर। मैं बोल रहा था आपकी बस्ती में कितनों की सवारी आई, आपकी बस्ती में कितनों की सवारी आई, अब जिगर थाम के बैठो के मेरी बारी आई। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा, जो कुछ भी पेश करें सौ फरमाइएगा। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा, जो कुछ भी पेश करें आइएगा। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा, जो कुछ भी पेश करें शौक फरमाइएगा। रात को आइएगा। खुश हो के जाइएगा। रात को आइएगा, आइएगा आइएगा, पेश करेंगे शौक फरमाइएगा। रात को आइएगा। हलचल मचा देंगे, धुनी महफिल सजा देंगे, ऐसा तूफान उठा देंगे, सोए दिलों को जगा देंगे। रात की रात ऐसी रौनक लगेगी, नाचेगा घुंघरू, नाचेगा घुंघरू तो पायल बजेगी। होश में आइएगा तो मत होश जाइएगा। आपको आइएगा, दिल बहलाइएगा, रात को आइएगा। जिनके मेहमान है जब चले जाएंगे, जितना भी भूलना चाहोगे रह रह के याद आएंगे। चाहे तो रख लेना अपना बना के, आंखों में पलकों में दिल में छुपा के, आ जाना शाम ढले हे मस्ती का दौर चले, उनके हमारे कुछ अपनी सुनाइएगा। रात को आइएगा, दिल बहलाइएगा,
तुमने पहले मुझे मुसीबत से बचा लिया, अब मेरा एक काम और कर दो। बोलो। अरे बोलो क्या, मेरे पास परमिट नहीं है और बगैर परमिट का शो हो नहीं सकता। क्या वो अपने उनके ऑफिस से मुझे एक परमिट लगा? डिप्टी कमिश्नर। हाँ, डिप्टी कमिश्नर के। ये मेरा काम नहीं है। ये काम नहीं है तो मैं भी जानता हूँ, मगर तुम तो कंपनी के हीरो हो और मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ, इसीलिए बाप ने मेरा नाम चरण दास रखा है। अच्छा तो मैं फिर ये हमारी कंपनी का मैनेजर मालिक मालिक है और मैं इस कंपनी का एक्टर हूँ। मेरी तनख्वाह 500 रुपए महीना। आप लोगों की कितनी तनख्वाह? जी तनख्वाह हमारी ये कौन थे जी? बहादुर। ये हमारी कंपनी के हीरो हैं। हीरो? हीरो क्या करते हैं? गाते हैं, लिखते हैं, बजाते हैं। ये बजाते क्या? ढोलक। सुनाकर यार, ये तो बिल्कुल हरफन मौला है। टुल्लू टुल्लू। आइए पहले अर्दली साहब से मिलो। लेकिन मुझे डीसी साहब से मिलना है। चाय का टाइम हो गया। सुनो, हमारी नाटक मंडली शहर में आई है, उसके शो के लिए मुझे एक परमिट चाहिए। परमिट? मिल जाएगी। लेकिन सुनो, शो का है परमिट आज चाहिए। परमिट आज चाहिए? हाँ। आज तो ऐसा करो, पहले मंदिर हो क्या? मंदिर? इधर नहीं। आइए मेरे साथ, बता रही है मंदिर इधर है। ये है मंदिर। जाइए जाइए जाइए, आप चढ़ाइए। मंदिर बहुत अच्छा है, देवी बहुत सुंदर है। साहब मिलेंगे? नहीं, चढ़ावा चढ़ाया। चढ़ावा? हाँ, देवी खुश नहीं होगी तो परमिट कैसे मिलेगी? नहीं। ओ समझा। वो इधर, ये उधर और परमिट इधर। अर्दली साहब। हाँ। ये चढ़ावा कहाँ जाता है? ये चढ़ावा बेचारे अमीरों को बांट दिया जाता है। बेचारे। चरणदास, ये रहा तुम्हारा परमिट। मेरे 100 रुपए लग गए। तनख्वाह में से काट लूंगा। लगता है यहाँ के अफसर मुफ्त खोर हैं। हाँ। हर रोज 50-60 टिकट भेजने पड़ेंगे उनको। मुफ्त खोर? मैनेजर साहब, एक टेलीफोन मिला दीजिए, दिल्ली राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन? यही है? वही है। चल पड़ो। चलो जनाब, टेलीफोन राष्ट्रपति भवन। हेलो, जरा मुझे एक्सटेंशन 2000 से मिला दीजिए। भाई माधव, आज तो कोई शो नहीं है, जरा बाजार की सैर हो जाए। हंगामा हो जाना चाहिए। यस, मैं मिलिट्री सिक्योरिटी के प्राइवेट सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। भाई साहब, मैं यहाँ ठीक तरह पहुँच गया हूँ। आपने मेरा काम कर दिया था ना? हाँ प्रेम, तुम्हारा काम हो गया, सब ठीक है। डैडी, मैं भी बात करूंगी। इंद्राणी से बात कर लो। हेलो अंकल। हेलो इंद्राणी, कैसी हो? अच्छी हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाना और जल्दी आना। मैं काम खत्म होते ही पहुँच जाऊंगा। रात को आएगा, गाता हुआ आ रहा था। गवैया जी, धातु नाश्ता भी था। हरफन मौला। हरफन मौला? हरफन मौला कहता था यहाँ के अफसर मुफ्त हो रहे। इसमें हंसने की क्या बात?
जी वही है। ये वही है? वही 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 यही यही यार वही। तुम्हें कैसे पता चला यही है वही है? मैं बताता हूँ। नहीं तुम गलती करोगे, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। कल क्या किया उसको? थप्पड़ मार दिया खाम का। छोड़ो यार, एक थप्पड़ दूंगा। काम की बात करो। वो गाता हुआ आ रहा था। अरे सुन लिया, आगे बढ़ो। अरे गधे, वहीं से बात कर, जल्दी बकाओ। तुम बकाओ। बात खतरे की है। आई थिंक वी आर ऑल इन ट्रबल सर। वो राष्ट्रपति भवन में फोन कर रहा था, वहां से जवाब भी आ रहा था। राष्ट्रपति भवन फोन किया। ए, जाओ और पता लगाओ और जल्दी रिपोर्ट दो। अरे अरे भाई, एक प्यारी चाय पिलाओ। दिल बहलाइएगा। हाँ, तो हमारा गाना याद कर लिया तुमने? नहीं भाई, चाय नहीं पियेंगे। ये क्या है, संतरा? खुशबू अच्छी है। नहीं बेटे, खाली पैसा नहीं हमारे पास। जो कुछ भी पेश करूं शौक फरमाइएगा। ये तो हजूर खाली है। चने कैसे दे दे? चने 10 पैसे दर्जन। 10 पैसे दर्जन? तौबा तौबा। संतरा कैसे दिया? 10 पैसे में। 10 पैसे में? अच्छा, एक देना। हाँ, 10 पैसे में। 10 पैसे में? हाँ। दोस्तों, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? जब देश की हालत ये होगी, बतलाओ मेरी जान क्या होगा? क्या होगा? तौबा 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 तबाही तबाही तौबा तौबा तबाही तबाही तौबा तौबा तबाही तबाही तौबा तौबा तबाही तबाही तौबा 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 ओ तौबा तौबा तबाही तबाही तौबा तौबा तबाही। आज 10 पैसे के दर्जन चने बिकते हैं। वारे भाई वाह, 10 पैसे के दर्जन चने बिकते हैं। सोने के भाव मटर मिलते हैं, कोट के दामों लंगोट सिलते हैं, यार भी मतलब से गले मिलते हैं। अजब है ये दुनिया, गजब है जमाना, के बुलबुल है चुप गाए उल्लू तराना। सुनो है बिकाऊ खुदा की खुदाई, किसी एक समगलर ने बोली लगाई। तौबा 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 तबाही तबाही तौबा तौबा तबाही तबाही अरे तौबा अच्छी सूरत भी जमाने में किधर मिलती है कुर्बाना। आज बड़ी मुश्किल से, ए बड़ी मुश्किल से हसीनों से नजर मिलती है।
आजकल के ये हंसी पहले जैसे तो नहीं, पहले जैसे तो नहीं। आजकल के ये हंसी आँख में सुरमा कहाँ, होठ पर पान कहाँ, वो खड़कती हुई सलवार मेरी तान कहाँ। वो दुपट्टा न रहा, वो गरारा न रहा, अजी आबरू ढकने का अब कोई सहारा न रहा। चेहरे चेहरे पे लिखी बेहयाई तौबा तौबा तबाही तबाही, तौबा तौबा तबाही तबाही, तौबा तौबा तबाही तबाही। पहलवान सुनो, आज एक दोस्त पुराना सरे बाजार मिला, पूछा क्यों आज तेरा फूल सा चेहरा है खिला। जोर से हंस के ये खुशखबरी सुनाई उसने कि अपने बाप की अर्थी सवेरे ही उठाई उसने। पिताजी जल के हो गए राख लेकिन छोड़ गए दस लाख, पिताजी जल के हो गए राख लेकिन छोड़ गए दस लाख। उड़ेंगे निस दिन अब गुल छर्रे, जानी रोज पिएंगे ठर्रे, होंगे रात रात अब मुजरे। मेरे इस देश की बर्बाद होगी, अब न मस्जिद में नमाज है न मंदिर में भजन, कैबरे डांस में खोया हुआ है सारा वतन। कबीरा आएगा और दम तोड़ते इंसान को बचा जाएगा। न होगा मन काला, न होगा धन काला, मिट जाएगी सारी सियाही सियाही, और शैतान देगा दुहाई दुहाई। तौबा 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 तबाही तबाही, तौबा तौबा तबाही तबाही, तबाही तबाही। दो बार सुन लिया आपने, अब वो तुम सब पर कड़ी नजर रखेगा, तुम सब होशियार रहना। मैं चंद फकीर, फकीर चंद, फकीर चंद, तुम ये फकीरों जैसे कपड़े पहनना बंद कर दो।
तनख्वाह के मुताबिक तो पहनता हूँ। अरे तनख्वाह हमारी भी तो उतनी है, हम तुमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं इसलिए वो हमें चोर समझेगा। मगर अंदर से तो सबके फटे हाल हैं। तबीयत बहुत खराब है क्या? तबीयत खराब हो दुश्मनों की? कहाँ है दुश्मन? दुश्मन आ चुका है खुफिया तौर पर। डीसी साहब, इस मुर्गे को काबू करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। मुझे क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़े अफसर हैं। कपड़े भी सुंदर पहनते हैं, आपका रूप भी रहेगा। ठीक है ठीक है। हाँ तो दोस्तों, वो यकीनन हर दफ्तर पर हमला करेगा, इसलिए अपना अपना मोर्चा संभालो। जाओ 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 जाओ। पशुपति तुम मेरे साथ रहना, तुम्हारी वर्दी का जरा रोब रहेगा। हवालदार अर्दली, तुम बहुत खाते हो रिश्वतें। शहर की सड़कें साफ है ना? जमादार से कह दो कि हर झाड़ू पर सड़क फेर दे। हर सड़क पे पाड़ू झाड़ू हर सड़क पे फेर दो। अरे पैदल क्यों जा रहे हो? कार में जाओ, रोक दे ड्राइवर। अरे क्या हुआ? मुझे जरा कमजोरी महसूस हो रही है। कमजोरी महसूस हो रही है तो दूध पी के जाओ। टांगे टूट गई क्या? देखा गिरा दिया ना। इस पानी में दूध है। परेशान ना हो मम्मी, मैं इसे काबू में कर लूंगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शाबाश। फिक्र मत करो मम्मी, अगर उसके बाएं हाथ में ना फंसा ना तो मुझसे बचकर कहां जाएगा? वाह वाह। ए तू क्यों हंस रही यारी? ओ मीना तू सुन ले, अगर उस मेहमान के सामने सज्जत के गई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तू उसके पीछे क्यों पड़ी है? आखिर तू इसकी चची है। आप क्यों हमेशा इसकी तरह दारी करती है? ये मेरी पोती है। क्यों, हम भी आपकी पोतियां हैं, ऐसे ऐसी क्या खूबी है? देखिए इस बेचारे के माँ बाप नहीं तो क्या हुआ? ये तो इसकी खुशकिस्मती है कि हमारे घर में पली है, वरना सड़कों पर भीख मांगती होती। माँ बाप नहीं है। अच्छा तो नाम प्रेम प्रताप है? जी सरकार। लीना, आओ ना। कब तक रहेगा यहाँ? कुछ बताया नहीं सरकार। राष्ट्रपति भवन टेलीफोन किया था? किया था सरकार। क्या बात हुई थी? जी मैं तो नहीं जानता, ये बेटा जानता है। बेटा टेलीफोन पर क्या बात हुई थी? खतरा। ये तो बड़े रोब से चलता है। सरकार ये इनका सेक्रेटरी है और ये इनकी कंपनी के मालिक है। हाँ याद है ना? और वो जो मैंने पहले की मूवमेंट बताई थी वो लंबी वाली पेनो ढेंको। जी सरकार। उनसे कहो कि हम साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। जी सरकार। हाँ, सेक्रेटरी जी। मालिक मैं हूँ चरण दास। हुकुम? जी हुकुम कुछ नहीं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर और सुपरिंटेंडेंट पुलिस साहिब बहादुर आपके साहिब बहादुर से मिलना चाहते हैं। कोई खतरा? तकलीफ कर रहे हैं आप काम का। बस जितनी जल्दी हो सके मिलवा दो। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, मैं समझ गया। मैं भी बात करता हूँ, हमारा ख्याल रखना। ये रही आपकी बियर और आपके लिए गरम गरम स्पेशल प्याज के पकौड़े। क्या नाम है तुम्हारा? सरकार मेरा नाम मंगतू है। ये रहा।
सरकार मुझे आपके ड्रामे के चार टिकट चाहिए। तुझे चार टिकट चाहिए क्यों? सरकार हम तीन भाई हैं और हम तीन भाइयों की एक ही बीवी है, यानी कि एक बीवी के तीन पति। सरकार द्रौपदी के तो पांच पति थे। राम 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 राम। वो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं और पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब भी। वो भी किस लिए? मुझे बचाइए, मैं तो चरणों का दास हूं। अरे टिकटों के लिए आए होंगे, क्या तो घर पहुंचा दी जाएंगी। और मैं तो घबराएगा। चलिए सरकार, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, जितनी टिकट चाहिए मैं भिजवा दूंगा। सरकार मैं खुद घर पे लेके हाजिर हो जाऊंगा। हम मुफ्त खोर अफसर नहीं, हमारी बीवियां भी सिनेमा तक के टिकट खरीदती हैं। यस, हम तो साहब के दर्शनों के लिए आए हैं। भाई वहाँ टिकट विकट का कोई चक्कर नहीं, वो तो तुम्हारे बहुत बड़े फैन है। तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, उनकी बीबियां तुमसे मिलने जरूर आएंगी। उनकी बीवियों से पहले उनकी बेटियां मिलने आएंगी, हमारा ख्याल रख लेना। अरे बेवकूफो, ये दोनों शहर के सबसे बड़े अफसर हैं, तुम्हारी और मेरी सूरत देखने नहीं आए, दाल में जरूर कुछ काला है। उसको हम पर शक है। क्या करें? कौन है? जनाब, डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ लाए हैं। हम भी हैं। एसपी साहब कहते हैं हम भी हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रेम प्रसाद है। जी मैं डीसी। आई आई आपने मुझसे बहुत इनायत की, जो आप तशरीफ लाए, बैठिए ना। आपका नाम सुना और फौरन चले आए। क्यों, मैं इतना बदनाम हूँ क्या? जी नहीं नहीं, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने तो शहर में रौनक लगा दी। कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, आपको तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता, बल्कि आपके यहाँ तो मैं देवी को चढ़ावा भी दे के आया हूँ। जनाब वो तो गरीबों के लिए इंतजाम कर रखा है। वरना गरीबों को आजकल कौन पूछता है? बेशक पकौड़े नहीं, बॉटल ओपनर कहाँ चला गया? मैं अभी हाजिर हुआ, अभी हाजिर हुआ। हद कर दी आपने, इससे भी चढ़ावा ले लिया। मुझे क्या पता था कि ये कमबख्त वही अफसर है जो खुफिया तौर पर हमारा भेद लेने आया है। इसको हमारी असलियत पता चल गई तो छट्टी हो जाएगी। किसी ना किसी तरह इस मुर्गे को काबू में लाना ही चाहिए। मुर्गी से मिला दीजिए साहब। अच्छा, आप बियर पिएंगे ना? पी लेंगे जी। बेरा 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 जी। नहीं 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 नहीं। हजूर आप जानते हैं सरकारी ऑफिसर शराब पीते ही नहीं। थोड़ी से चुप कैसे है? जब पीऊंगा तब रिटायर हो जाऊंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब पीऊंगा जी। सिगरेट? थैंक यू। सिगरेट थैंक यू। जनाब कब तक यहाँ तशरीफ रखेंगे? जब तक आप निकाल नहीं देंगे। थाना पुलिस जेल खाना का दौर आप कब करेंगे? जब कुछ चोरी करूंगा तो जरूर करूंगा। आज रात का खाना मेरे यहाँ, मैं खास तौर पर ये कहने के लिए यहाँ हाजिर हुआ। इतनी सी बात थी, आपने फोन कर दिया होता मैं जरूर आता। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू थैंक यू। जनाब जरा कागज दीजिए कोई, मैं अपने घर चिट्ठी लिख दूं, मेरी बेटी और बीवियां बहुत खुश होंगी। कितनी है जी? बीवी तो एक ही है, बेटियां दो हैं। आपकी बीवी के कितने पति हैं जी? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप मजाक कर रहे थे। जनाब कागज। ये टेबल पर बिल पड़ा है, इसी पे लिख डालिए। आप क्या चीज है? चीज? हम बड़ी कुत्ती चीज है जी। कुत्ती? कुत्ती। वो तो जाहिर है, लेकिन काम क्या करते हो? जिस शहर में अखबारें बहुत देर से पहुंचती हैं, इसलिए खबरें हम ही उड़ाते हैं। और आपकी खबर भी हमने उड़ाई थी जी। नहीं जी। बहुत होशियार हो, लेकिन माँ बाप ने कुछ नाम तो रखा होगा। थिनू थिनकू ठू ठू बाप का नाम। उसके बाप का नाम जी ठे ठे। नहीं वेरी गुड। मैं सिर्फ मामूली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो नई नई गोलियां ईजाद करता हूँ।
जो खुफिया तौर पर हमारा भेद लेने आया है, इसको हमारी असलियत पता चल गई तो छट्टी हो जाएगी। माय गॉड, ये तो मामला ही कुछ और है, ये तो मुझे बड़ा अफसर समझे बैठे हैं। तो ले लो मजे, मारो हाथ। और अगर पोल खुल गई तो? तो? 7 साल अंदर है। 7 साल? मैं डिनर पर नहीं जाऊंगा, तुमसे कह रहा हूं। हम पोल नहीं खुलने देंगे, तुम एक बार अफसर की एक्टिंग तो कर लो, एक्टिंग। मेरे पास होटल का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, अगर तुम अफसर बन जाओगे तो मैनेजर तंग नहीं करेंगे, और तुम्हारी वजह से हम लोग भी आज लूट लेंगे। डिनर पर जाओगे ना? प्लीज 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 प्लीज। तो फिर आगे देखिए होता है क्या। जरा से बियर और पोर करो और एक बोतल और मंगाओ, पी के और हिम्मत आएगी। नहीं बाबा, ज्यादा नहीं पीना, ज्यादा नहीं पीना। और तुम मेरे साथ हो ना, मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकलने लगे तो संभाल लेना। अच्छा लगाओ तो जरा मेरा सिगरेट। अरे लड़कियों जल्दी करो, तैयार हुई कि नहीं? अभी आई। ओ सकीन, राम प्यारी लड़की तैयार हुई है कि नहीं? वही तो मैं कह रही हूँ। आज खाना जरा ज्यादा खा लिया है। जा बहादुर की गाड़ी आ रही है। अरे अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे फूल फूल, अरे ओ नो फूल नो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। होटल में बातचीत कर रहे थे ना, उधर टेप रिकॉर्डर चल रहा था। और जो कुछ भी आपने बोला ना सर, उसने भर लिया। भर लिया, भर लिया। बाबा उसका बहुत बुरा हुआ, अब वो सबकी चटनी बना देगा। घर जा के चटनी दोनों की, सबकी सबकी। मुश्किल हो गई। नमस्कार जनाब। सब कैसे कमिश्नर साहब? ये मेरी बीवी है, गले में हाथ डालने का आदि नहीं हूँ। जनाब आइए आइए, मिलिए। ये है लाला फकीर चंद, महकमा जंगलात के अफसर। लगता है आपके कपड़े कौन सा दर्जी सीता है? जी मेरी बीवी सीती है। मैं भी बहुत बड़ा दर्जी हूँ, महान दर्जी। मैं आप सबके कपड़े सीऊंगा, आप सबका नाप लूंगा। और जब मैं नाप लेता हूँ तो सब कुछ भाप लेता हूँ। जय जय महाराज। जय जय। जरा हमारा ख्याल रखिएगा। हमारा बिल भी जरा ख्याल से बनाना। आप बिल की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मेरी तरफ से ये भेंट है। क्या है ये? चरणामृत है। चरणामृत जी। बैठो जी। आज्ञा।
आप पीजिए मैं पीछे से पीऊंगा जी, बाद में रौनक है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि आप किस कॉलेज में पढ़े? पोल खुल गई तो 7 साल अंदर जाओगे। ठीक है। बहुत अच्छा घर है। आप बहुत लंबा सिगरेट पीती हैं। जी हाँ। जी हाँ। अब मैं क्या पूछ रहा था आपसे? मैं पूछ रहा था कि आप किस कॉलेज में पढ़ी? लड़कियों के कॉलेज। अच्छा, मैं लड़कों के कॉलेज में था। पूरे 10 साल फेल होता रहा, आखिर में प्रिंसिपल साहब अस्तीफा देके चले गए। यहाँ तो जादूगर का पूरा जादू चल गया। इधर भी जादू चल रहा है। पियो, ये पियो। सर, वहाँ तो आपका बड़े बड़ों से मिलना जुलना होगा। सब बड़े अफसर वजीर हमारे घर पे आने को तरसते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं बुलाते। हम हैं। सात साल हमारे सेक्रेटरी ने याद दिलाया कि हम 7 साल का संन्यास लेने वाले हैं। संन्यास? यानी कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, सब वजीर हमें अपनी बेटी देने की कोशिश में है, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं, इसलिए कि हम हैं। वो क्या है, क्या है? दादा, जादूगर तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं। उसको रोको, 7 साल। सरकार, आप लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, हम खुश हुए। और शहरों से जब हम गुजरे तो वहाँ के किसी अफसर ने हमें पूछा तक नहीं। अच्छा, उन्हें माफ कर दीजिए सरकार, नादान अफसर होंगे, कामचोर होंगे। जनाब, दिल्ली में तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी दावतें होती हैं। क्यों नहीं सर, आपकी दिल्ली वाली कॉल राष्ट्रपति भवन से। फोन राष्ट्रपति भवन। प्रेम प्रताप है चरणों का दास। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, कुछ गड़बड़ है। तुम गड़बड़ मत करो, पोल खुल जाएगी। बेशक, जिसकी पोल खुल गई 7 साल अंदर। राम प्यारे, बच्चों का ख्याल रखना, तुम जल्दी वापस आ जाओ। जी हाँ, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। टुटलू का क्या मतलब होता है? टुटलू बड़ा खतरनाक और खुफिया लफ्ज है। टेप रिकॉर्डर फंस गए। मुर्गा पकड़ा है। आपके लिए बनवाया है, आपको पसंद है ना? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमसे बेहतर बावर्ची आपको नहीं मिलेगा। मुर्गा में वही खासियत है, आज हम मुर्गा पकाएंगे। सुनिए, एक मिनट तो रुकिए। हजूर, आप पकाएंगे तो हम क्या करेंगे? आप खाएंगे। सुना बहुत खाते हैं। मगर सर, यहाँ तो रिश्वत का कोई नाम तक नहीं लेता। नाम तो हमने भी नहीं लिया। जनाब, काम के सिवा हमें कोई काम ही नहीं। आराम में भी आराम करें तो हराम है। कपड़े सिलाने की भी फुर्सत नहीं। हम तो अपना फर्ज अदा करना ही अपना फर्ज अदा करना समझते हैं। हम अपनी भलाई में देश की भलाई समझते हैं, देश की भलाई में अपनी भलाई समझते हैं। बिल्कुल। हम सब हुक्म के गुलाम हैं। यस सर। तो फिर आप लोग हमारा नाटक देखने आइएगा, सबको मुफ्त दिखाएंगे। दिल बहलाइएगा, रात को आइएगा, जो भी हम पेश करें शौक फरमाइएगा। फिर करती है मजाली, दिन बदले सब पे चली जा रही है ये। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बेचारी को? अब कहती है साथ ले चलो। ले चलो, लोग क्या कहेंगे, नौकरानी को साथ ले आए। अगर ये मनहूस हमारे साथ जाएगी तो हम नहीं जाएंगे, इस चुड़ैल को कौन ले जाएगा साथ। जा, काम कर। चलो जी, दीजिए।
हमारी माँ, मैं भी कभी उस घर की घुटन से निकलना चाहती हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मेरा भी जी चाहता अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, कहीं बाहर निकलूं। लेकिन यूँ लगता है यहाँ गालियाँ खा खा के मर जाऊंगी दादी माँ। तू चुपके से जाती क्यों है इन सड़े हुए कपड़ों में? सड़े कपड़ों में क्यों? कब से तेरा दहेज इकट्ठा कर रही हूँ, आज तुझे राजकुमारी बना के भेजूंगी। चल लेकिन देख, खेल खत्म होने से पहले निकल आना ताकि उनका पता न चले। दादी माँ मेरे बच्चे। माधव, ए माधव, सारा हाउसफुल हो गया, अभी तक आई नहीं। शायद आई जाए, मैं नजर रखता हूँ। सुनो, कोई ऐसी तरकीब लड़ाना कि मेरा उसका मेल हो जाए। हाउसफुल है, जगह नहीं है। आने दो, आने दो। आइए मैडम, आपके लिए तो खास जगह है। आइए मैडम। शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोक कर आपके सामने पेश करता हूं। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। सुनिए, आप पीछे के रास्ते से उस तरफ तशरीफ ले चलिए, ज्यादा अच्छी जगह। आइए। तो अपनी मेहनत ऐसी लगती है। दिमाग खराब है तुम्हारा, वो तो कितनी बदसूरत है। ये लड़की तो अच्छी है। महके हुए बदन से खुशबू सी आ रही, उतर रहा है बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका
समझा तकदीर का तारा, राही था मैं आवारा। बेनाम सा नशा है, राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, राही था मैं आवारा। कदम कदम पे मैं खाना खुल गया है, बेनाम सा नशा है, राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा। फिर शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, राही था मैं आवारा। अब उसके पीछे कहाँ जाओगे? वो हरे लिबास वाली लड़की कहाँ गई? उधर Thank you.
जल्दी आए मदद के लिए। हैं सारा शहर। इस नौकर को संभालो, इस अस्पताल ले जाओ और इसको पुलिस स्टेशन। उसने अपनी जान बचाकर भाग आया और मेरे बेटे को वहीं छोड़ाया। अंकल नहीं भागते तो ये जेवर वहीं रह जाते। अब पुलिस हमारा पीछा करेगी और हमको यहाँ से भागकर पता नहीं कहाँ जाना पड़े। और अजय को छुड़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ हम दोनों की बातें सुन चुके। मैं तुम्हें किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब आपके होश कहाँ हैं? मेरे पास है। चाहिए? डाकू ये है, मैंने इसे पकड़ा है। मुझे राजा से पकड़ा है, कौन कहता है मैं डाकू? देखो तुम इस शहर में नए नए आए हो, अब तेरे इस उम्मीद राजा को डाकू बना दिया, कल तो किसी पुलिस जाने को बना दोगे। हल्दर अंदर कर दो ना यार। चलिए था। इंस्पेक्टर साहब आपका नाम क्या है? तोता राम। और डीसी साहब को बुलाइए। वहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, वहां मेरा भाई डीसी साहब का चमचा है, चमचा है। नीचे रख दो, नीचे रख दो। चलिए जनाब, इसने घर में मेरे डाका डाला, इन साहब ने इसको पकड़ा, मैं इस बात का गवाह हूं। तुम गवाह हो? इसे भी अंदर कर दो। चलो। और कोई गवाह है? अगर साहब बहादुर को डाकू पकड़ना पड़ा तो पुलिस क्या कर रही थी? यही तो मैं पूछ रहा हूं। बोलो। तुम लोग कहां सो रहे थे? जनाब यहीं पर। साहब बहादुर कहां है? वो तो आप हैं जनाब। हम से बड़े जो डाकू पकड़ कर लाए हैं। हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाइए। आप सुअर, कुत्ता, गधा। असली डाकू कहाँ है? कौन कहता है कि मैं डाकू? कांस्टेबल इसे अंदर कर दो। चला चला अंदर। इसे तो मैंने पढ़ाया था। हाथ पढ़ाया था। शराब, इसके बाप का मुकदमा मेरे पास था। 5 बरस तक फैसला नहीं कर पाए जनाब जज साहब। शराब, कौन है जंगली डाकू? कौन बीमार है? चलो अंदर। दो तारा यस सर। तुम बर्खास्त, तुम भी। हाँ मैं भी। दबा। यस सर। अंकल। कौन अंकल? तुमने मेरे बाप का नमक खाया? तुम्हारे बाप ने हमारा नमक खाया है। तुम दोनों ने खाया है। तुम भी इसमें बने वाले कौन होते हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे हाँ, अरे अरे अरे, सब कैदी बाहर आ रहे हैं। आ गए जी, आ गए। और कुछ नहीं तो तकिया देती जाओ। अरे जरा सबर करो। डैडी, आप तो बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। मालूम नहीं किस मौसम में पैदा हुई थी ये। आप तकलीफ मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए लो, जरा सी मोच आई। नमस्कार। तू कहाँ आ गया? गेट आउट, गेट आउट, दबाओ, 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 दबाओ। जी मुझे बाबा ने भेजा है और कहा है
जो चाहिए ले लीजिए, अजय सिंह को छोड़ दीजिए। अरे हम सब का बाबा अंदर है, तुम भाग जाओ भाग जाओ। गेट आउट। नमस्ते। हुजूर आपको ज्यादा तो चोट नहीं आई? सर इंसान गिर गिर कर ही सवार बनता है। सर मेरा तो जंगल जाना ही मुश्किल हो गया। सर सब चले आ रहे हैं मगर अभी तक डॉक्टर ही नहीं आया। माफ कीजिएगा देर हो गई। आइए डॉक्टर साहब आप ही का इंतजार था। आइए। बाद में मैंने उन हरामियों की चटनी बना दी। मुझे शक्ल महसूस हो रही है। साहब बहादुर आराम फरमाएंगे। चलिए चलो लड़कियों दरवाजा बंद कर देना। आहिस्ता पांव की आवाज नहीं आनी चाहिए। फिरता था मारा मारा तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। अच्छा तो साहब बहादुर हमारे पैसे खाकर हम ही से मोड़ रहे हैं और वो भी एक नाटक मंडली के टट पुंजिया कवैये की वजह से। सदर कहो तो उस कवैये की मरम्मत करो। नहीं जो कुछ करना है वो सोच समझ कर करना है। ये क्यों रहे? जादू सीख रहा हूँ। अगले शो में जादू का खेल हो जाए तो मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक। अरे जादूगर पहले क्यों नहीं बताया? अभी सीख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन। तुम पे आजमाऊं? नहीं 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 इसे खा जा। बेटी है बेटी है। हाँ एक और लो। मीठी है मीठी है। जादू चल गया। हाँ अब जब तक मैं उतारूंगा नहीं ऐसे रहेगा। उतारो उतारो शो का टाइम हो रहा है। ब्रिंग ब्रांग ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग ब्रिंग ब्रांग ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग ब्रिंग ब्रांग ब्रांग ब्रिंग ब्रांग। रात को नींद नहीं आती। दिन को चैन नहीं पड़ता। उसके पास टेप रिकॉर्डर है उसमें हमारी आवाज भर ली है उसने। जान खुश के अपनी। हाँ, अरे प्रोफेसर कुछ तो सलाह दो। बेटी दे दो उसे जवाई बना लो। हाँ फिर अपने काबू में आ जाएगा। लेकिन वो तो मेरी बेटियों की तरफ देखता भी नहीं। तो फिर टेप रिकॉर्डर गायब करवा दो। चोरी करवाए? ए प्रोफेसर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सिर्फ मेरा ही ठीक है। टेप रिकॉर्डर।
जिसी ने 200 तो पहले भेज दिए हमको देने की क्या जरूरत है कौन है ये हम जैसे कपड़े पहने हुए कौन है पता नहीं तो ये पकड़ो मैं इनको आजमाता हूँ उसने भी वैसा ही ब्लू कोट पहन लिया दूसरा बदलो ना दूसरा बदलता है वैसा ही कोट है टोपी मजे मैं डर नहीं रहा हूँ मगर ऐसा है कि वो क्या कोई लव लेटर आया यहां से फौरन चले जाओ वरना खत्म कर दिया जाओगे लव लेटर किसी से जिक्र मत करना नहीं नहीं मगर यहां से फूटो हरगिज़ नहीं वजह वो लड़की कौन लड़की जो उस रात थिएटर में आई थी वो फिर मिली उसका नाम मालूम नहीं पता मालूम करो लेटर अरे मुरली वाले यशोधा के दुलारे राधा के प्यारे हमारे हीरो की राधा का ना तो हमें नाम पता है ना पता है हमारी जान जोखिम में पड़ गई है कुछ कर कुछ कर कुछ कर नमस्कार मैं अक्सर आपके बारे में सोचता हूँ आप कभी मेरे बारे में नहीं सोचती जी अच्छा जब दादी माँ बीमार होती हैं मैं आपके लिए चाय लाती हूँ नमस्ते बैठिए बैठिए जी वो मैं कई दिनों से कुछ कहने की सोच रहा था लेकिन कह नहीं पाया सोचता हूँ आज कह डालूं कहो कहो जी वो मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो मंजूर है जी बड़ी खुशी हुई सुन के मीना तेरी किस्मत जाग उठी डॉक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं स्वीट बॉय तो फिर ऐसा करो कि अपनी मम्मी को बुला लो बातचीत पक्की हो जाए बेचारा इनोसेंट बॉय तेरा इस घर में क्या होगा अच्छा लड़का है डॉक्टर है तो क्या हुआ शक्ल देखिए बिल्कुल उल्लू लगता है इतना अच्छा वर ढूंढा है मीना के लिए मैं नहीं उससे शादी करूंगी ओहो नाक भौं चढ़ाती है तू समझती क्या अपने आप को शादी कर जा यहां से विमला या कमला की शादी क्यों नहीं कर देती मीना ए, क्या बकती है हम क्या फालतू है फिजूल है तुम दोनों तो उसके आगे पीछे घूमती थी बेहया मुस्टंडी पाखंडी इडियट इन दोनों को अच्छे से अच्छे लड़के मिलते हैं मालूम है अब ज्यादा बोली तो जबान लोच लोगी क्या हुआ सुन लो खजमानो खानी क्या कहती है डॉक्टर इससे शादी करना चाहता है नवाब दादी नखरे दिखा रही है इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा बेटी क्या बेटी बेटी लगा रखा है अगर इसकी शादी नहीं हुई तो सारी जिंदगी हमारी छाती पे बैठी रहेगी शादी नहीं करूंगी चाची सुन लिया मैं इसकी चमड़ी उधेड़ लूंगी और बेटी बेटी करो घर से निकालो इसे मीना इस घर में वही होगा जो हम कहेंगे
मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में, मुश्किल है जीना, दर्द उठे तो चुप रहना, अपने ही आंसू पीना, बेदर्दों की दुनिया में मुश्किल है जीना। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी तलाश में हूं। दिल ने कहा जब तक फिर से तुम्हें देख न लूं चैन नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारा दिल नहीं किया मुझसे मिलने के लिए? तुम्हें मेरी तलाश नहीं थी? आपको तलाश करने कहां निकलती है? आप तो मेरे दिल में बसे हैं। तो फिर मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि इसलिए दादी माँ वो मुझसे प्यार करता है। अचानक मेरा नाम और पता पूछा, मैं भाग गई। बेवकूफ, उन्हें मालूम पड़ गया कि ये लोग मुझे नौकरानी समझते हैं तो उनसे बात नहीं करेंगे। तकलीफ से प्यार करता है।
बहन। पहचान हो गए कोई? मेरे साथी को पकड़ा था तुमने, देर में आए, डरते रहे। नाई का काम करते हो? इसे दर्द नहीं होता, आजमा चुका हूं। इसे दाढ़ी बनाते कट लगता है, एक छोटा सा झटका। तो आओ, मुझे आना पड़ेगा। नहीं, मैं ही आऊंगा, बगैर लड़े मरोगे। कमरे में कोई और भी है? खुद देख लो। इससे भी चढ़ावा ले लिया। मुझे क्या पता था कि ये कमबख्त वही अफसर है जो खुफिया तौर पर हमारा भेद देने आया है। इसको हमारी असली पता चल गई तो छट्टी हो जाएगी। घबराओ नहीं, दर्द नहीं होगा, एक छोटा सा झटका बस। अबे, अबे, तुम्हें किसने भेजा है? क्या हुआ, कौन था? ऐसे कोई नाई था? नाई नहीं, इतनी रात को हजामत। देखो, यहाँ हम सब लोगों की जान को खतरा है, यहाँ से जल्दी निकलो। मुझे बता, मुझे बता, यहाँ से जल्दी निकलो। क्या हो जाएगा? क्या हो बता, बाद में क्या हो जाएगा? ये काम खराब कर रहा है उल्लू का पट्टा, मुझे क्यों नहीं जाओ उस दिल सारा तेरी तो मेरा लड़का जेल में पड़ा है और तुम लोग यहाँ लड़े हो, बता जेल पर हमला कर दो। भगवान उसके कमरे में चोरी की कोशिश, हम लोग सब गए। बाबा क्या करेंगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। तुम तो हमेशा जंगली बात करोगे, मैं गोली ईजाद कर रहा हूँ जिसके खाते उसका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, जब तक वो गोली इजाद होगी हम सबका सफाया हो जाएगा, और वो भी बड़ी सफाई के साथ। जोशी जी, समय बहुत कष्ट का है, इस अवसर से हमें बहुत खतरा है। महाराज, आपकी कुंडली बहुत कुछ बोलती है, समय बहुत ही कष्ट का है। कोई उपाय महाराज, जैसे मरीज को डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वैसे आप भी मुझसे कुछ ना छुपाइए। अगर आप मेरे एक प्रश्न का ठीक ठीक जवाब दे देंगे तो आपका उपाय भी ठीक हो जाएगा। आप प्रश्न पूछिए, जवाब सच्चा मिलेगा। महाराज, आप रिश्वत लेते रहे हैं? अब तो उपाय साफ है महाराज। तुम्हें बताइए बताइए, उस अफसर को शिव जी का चरण अमृत पिला दीजिए, बस वो आपका हो जाएगा। हम बोले जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाए खाली, मेरे हाथ में कोटा सोला, कर दे मुर्गे वालियां होला। क्या कर रहे हो, भंग बना रहे हो? ये भंग नहीं है माता जी, माँ जी ये तो शिव जी का चरणामृत है। जो पिता है अमर हो जाता है, आप भी अमर हो जाइए। दुख नहीं माँ जी, ये शिव जी का चरण ठीक है, ठीक है तो देखिए, सब ऋषि मुनि से पीते हैं। हमारा काम ही है। पीजो, पीजो। बहुत अच्छा। जय 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 भोले नाथ, जय भोले नाथ। कानून नहीं देता है, इसलिए ठंडाई सर्फ की है। ये ठंडाई है,
हम दिल्ली में फोन करके कहेंगे कि इस शहर में विस्की मिलनी चाहिए। और आपकी बहन और आपकी मम्मी कैसी है आप? भाई बहुत मजा आया शाम का, मैंने ऐसी शाम नहीं देखी। क्या हाल चाल है आपका? हेलो हेलो, आपने हमारा ड्रामा देखा? वो गाना पसंद आया? अच्छा गाना है। आपके हाथ में शरबत नहीं है? शरबत चाहिए, शरबत चाहिए। ये आपके बाल और आपके कपड़े कौन डिजाइन करता है? नहीं, सारी महफिल जान ले कि हम किसी से कम नहीं। Yeah.
भूल कर ये जहां प्यार में हम चले, कोई आहे भरे दिल किसी का जले। ए मेरे हम सफर हम चलेंगे वहां, प्यार ही वो जमीन प्यार का। नाम बताती है और ना पता लेकिन मैं जनता के सामने और सब अफसरों के सामने भगवान को साक्षी बनाकर यह ऐलान करता हूं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। उधर क्यों दे रहे हैं? मैं अभी दरियाफ्त करता हूँ। ये कन्या डिप्टी कमिश्नर साहब की भतीजी है। भतीजी है तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शादी ये प्यार का नशा नशा भी है ऐसा, ये प्यार का नशा नशा भी है ऐसा, ये झूमता है दिल दीवाना हो जैसा। अरे दीवाना 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 दीवाना, ये प्यार का नशा है नशा भी है ऐसा, प्यार का नशा हाय हाय नशा भी है ऐसा, झूमता है दिल हाय झूमता है दिल हाय दीवाना हो जैसा। प्यार का नशा हाय हाय नशा भी है ऐसा, नशा 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 नशा, प्यार का नशा प्यार का नशा प्यार का नशा, ये प्यार का नशा मेरी तो बस प्यार का नशा, ये प्यार का नशा। प्यार का नशा तो नहीं मगर मगर के नशे का जवाब नहीं है।
थी, एक क्या तीन तीन हाथ में रखती थी। उनका नाम बताओ। तुमने तो हम डाकुओं के नाम को बदनाम कर दिया। अंकल, बड़ी उम्दा चाल सोच कर आया हूँ। सरदार, खाली बैठे बैठे तो हम खुसरे बन जाएंगे। इनाम लाओ अंकल, बढ़िया चाल है। फिर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा, बाजी अपने हाथ में है। तो फिर पत्ता क्यों नहीं है? परसों एक शायर है बड़े साहब के घर, सांस लो अंकल, सांस लो। सर, आपका लेटर। अरे आज कौन लेटर पढ़ेगा, रख तो कहीं फिर पढ़ूंगा। सर, हर लेटर पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं, यानी कि जरूरी है। तो फिर यहीं घंटे के अंदर मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना लड़की का सर काट के आपके मंदिर में नजराना पेश किया जाएगा। देखा, एक काम मुझे सौंपा और मैं करके आ गया। शाबाश, चाल जो मैंने बताई थी। शाबाश। रोने की कोई जरूरत नहीं, परसों तक हमारा लड़का आ जाएगा और हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ भतीजी, घर में मुझे नौकरानी की तरह रखते हैं, मुझको छोड़ने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तो हम तुम्हारा सर काट कर उनके यहाँ भेज देंगे। शमशेर, इन्हें दूसरी गुफा में बंद कर दो। वो जालिम जरूर लड़की को मार डालेगा। कोई बारात को रोको। मैं रुकता हूँ। अच्छा 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 साहब, आप कुछ बोलिए। आज कोई दोस्त नहीं बोलता तब तो तमाम पुलिस फोर्स पीछे है, अभी तक ये पता नहीं चला डाकू छुपे कहाँ हैं। प्रोफेसर, तुम्ही कुछ सलाह दो। डीसी, वक्त बहुत नाजुक है। एक तरफ तो लड़की की जान खतरे में, दूसरी तरफ तुम डाकू के खूनी लड़के को छोड़ नहीं सकते क्योंकि असर सर पे खड़ा है। अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? भाई, अपनी बेटी होती तो सोच भी पड़ते। उस बिचारी को तुमने हमेशा सताया, अब डाकू घात से मरवा दो। माँ, तू नहीं समझती। ठीक है बेटा, माँ कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं समझती। इम्तिहान का वक्त है और मैं दिखा दूंगा कि मैं किस मट्टी का बना हुआ हूं और किस चोटी का अफसर हूं।
मैं उस डाकू के बेटे को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, भले मेरी भतीजी की जान चली जाए। मैं कानून और फर्ज के लिए लड़की की कुर्बानी दे दूंगा। प्रोफेसर, इस बात के लिए मुझे पद्मश्री मिलने के चांसेस हैं या नहीं? क्या बात है, स्वागत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। अब बोलो पद्मश्री। मेरे होने वाले बेटे, मैं क्या करते हो, साफ बोलो ना। हो क्या रहा है? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। सब चुप क्यों है? साफ साफ बताते क्यों नहीं? बेटा हमारी बेटी को डाकू उठा के ले गए। इतने बड़े अफसर के घर से तो पुलिस क्या कर रही है? कोशिश। हजूर, हम सारे जंगल छान मारेंगे। शहर निवासियों, देखा आपने, आप जनता और ये अफसर, आप खिलाने वाले और ये खाने वाले हैं। 15 अगस्त सन 47 में जब देश को आजादी मिली थी, उस रोज दिल्ली के लाल किले से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता के नाम संदेशा देते हुए कहा था, मैं जनता का प्रथम सेवक हूं। प्रथम सेवक, सेवक। और आप सेवक नहीं, हाकिम बने बैठे। आप सेवा नहीं करते, हुक्म चलाते हैं। देश अच्छे से अच्छे अफसरों से भरा पड़ा है जो अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं, लेकिन आप जैसे अफसर गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये बंदा ही जा रहा है, जरूर जेल में जाएगा। ये हमें भी अंदर करवा देगा। और कान खोल के सुन लो, अगर 12 घंटे के अंदर लड़की वापस नहीं लाई जाती तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। चलो आओ। क्या करें? बस अब तो एक ही रास्ता है। क्या? हम पापी तू बख्शनहार, हम पापी तू बख्शनहार, हमरे अवगुण जितना ही धरियो, हमरे अवगुण जितना ही धरियो। आन पड़े तोरे द्वार, आन पड़े तोरे द्वार, हम पाती तू बख्शन। सुख में तुझको भूल गए थे, दुख में
अपने भक्तन की हर उलझन तूने सदा सुलझाई, माँ ने हमारी सुन ली, जरूर कोई अच्छी खबर उड़ती हुई आई है। पढ़िए पढ़िए। प्यारे दोस्त मरे हुरारी, अरे मुरारी, मैं पिछले खत में गलती से गलत खबर दे गया था, माफी चाहता हूँ। जो अफसर तुम्हारे शहर आने वाला था वो छुट्टी पर गया हुआ था, और अब अगले इतवार ठीक 4:30 बजे तुम्हारे यहाँ पहुंचेगा है, उसका ठीक तेरे स्वागत करना अगले इतवार, यानी कि परसों। तो ये कौन है जो हमारा उल्लू बना रहा था? ये कोई और ही उल्लू का भट्टा मालूम होता है। रुपया मालूम होता है रुपया? अरे आने दो, उस प्रथम सेवक को भुर्ता बना दूंगा भुर्ता। मीना का पता चला? अभी तो तेरा पता चला है। चकाबाज, फरेबी और सबको रिश्वत खोर कहता रहा। नौटंकिये, झूठा अफसर बनकर हमारी बेटियों पर डोरे डालता रहा। किसने कहा कि मैं अफसर हूँ? मैंने कभी आपसे कहा कि मैं अफसर हूँ? प्रिंसिपल साहब, ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है जज साहब, और ये आपका बेटा है एसपी साहब, ये सब मेरे गवाह है। मैं तक मामूली सा गवाहिया हूँ जो आपके शहर में नाटक मंडली लेके आया था। क्यों? मैं कहाँ का अफसर हूँ? अफसर तो आप साहेबान हैं। बना मत, पकड़ो मत। हजूर, मैं तो सिर्फ प्यार का भूखा हूँ और मीना से शादी करना चाहता हूँ। कल शेर बन के मैं डर रहा था, आज चूहा बन के हमारी मिन्नत कर रहा है। शादी मेरी होने वाली थी, तू बीच में टपक पड़ा। कबाब में हड्डी, दर्जी, हवलदार, इसे अंदर चलाओ। काली कोठरी में बंद कर दो। नहीं ले जाओगे ना जी? इसी क्या जरूरत? आओ। आइए आइए आइए, साहब बहादुर तशरीफ लाइए, आ गए अपनी असली जगह पर। तोताराम जी, साहब का ड्राइंग रूम खोलिए। अंदर से खामोश रहो। हवलदार जी, साहब बहादुर को सैल्यूट मारिए। साहब बहादुर, अगर कल तक मेरा बेटा वापस नहीं आया तो तुम्हारा यह खूबसूरत सर काट कर तुम्हारे घर के मंदिर की टेरी पर चढ़ा दिया जाए। ठीक है, होशियार रहना, आज रात में कोई सोने ना पाए। कुछ नहीं होगा सरदार। एक तरीका है बचने का, मेरे साथ भाग चला। समझ लो, अभी आओ। क्या कर रहा है? भूत बुला रहा हूं थाने में। दिमाग खराब है। पहचाना नहीं अमलदार साहब?
हाँ, जय हिंद जनाब। अबे जय हिंद किसको बोला? साहब एसपी साहब के साहब याद आए हुए। आइए साहब, मेरी चाय पियेंगे? ये तो तारा जी कैसे हैं? अबे ओ, ये अंधेरा कहाँ से आया? अबे कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा सर? हाँ तो बोलो। ये आंधी और तूफान आ रहा है सर। बेवकूफ। यस सर, बारिश आएगी। सर बारिश मुंह तोड़ हो रही है। बेवकूफ, यहाँ तो तारे नजर आ रहे हैं। सर आपको तारे नजर आ रहे हैं? बकवास। नहीं बकूंगा सर। फोन करता है सर। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी ले 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 लेडीज भी है। शट अप। यस सर, शट अप।
जवाब आना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में। जब से हमने तुमको देखा है हम तुम्हारा गुलाम बन गया और अब भी तुम्हारा गुलाम है। हमारे वास्ते गाना गाया हम तुमको अच्छा लगता है और दुल्हन शर्माती है। उस साहब बहादुर के बच्चे को पकड़ के लाओ वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। यार चलो अंदर मैं ना। यस सर। पानी पिलाओ। थैंक यू। डोंट बी फनी यार। सोना कहां से टपका? ला बॉस को दे दे। नहीं नहीं ये हमारी किस्मत का है। और ये नायाब हीरा भी तुम्हारी किस्मत का है। हाँ देखोगे। लाओ 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 तुम जाके ख्याल रखो। हाँ। मेरे बॉस नहीं आ जाए। हाँ। तो मैं आधा दूंगा। हाँ। मेरी कसम। हाँ तेरी कसम। Green Town, Town, Green Crew, Green Town, Town, Green Crew, Green Town, Green Crew, Green Town, Town, Green Crew, Green Town, Town, Green Crew. क्या है जो हम में नहीं है। जरा सोच के बता मेरी जान। अमृत पियो। पहले रस्सिया तो खोल दो। आए हाय 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 रस्सिया खोल दो। रस्सिया खोल दो। रस्सिया जब तक हम तुम्हारा जादू नहीं उतारेंगे तुम नाचोगे। तुम पर नजर रखो मजरा गुफा में हो गया तो है। सरदार बहुत भरोसा करता है शमशेर। अरे मैं होता तो साले साहिब बहादुर की गर्दन मरोड़ देता। तुम फिल्मी फाइट करते रहो। शिशु
दोनों यहाँ से दूर भाग जाएंगे। ठीक ठीक। हम बहुत खुश हैं। लेकिन तुम्हारा सरदार देख लेगा तो हम दोनों का सर काट देगा। अरे हाँ, वो तो बड़ा जालिम आदमी है। तो तुम यूँ करो, तुम जाके देखो रास्ता साफ है कि नहीं। ऐ, तुम यहाँ से अकेली बाहर मत जाना। बेरदार गोली मार दे। छुप के बैठी रहना। अरे बेवकूफो, ये क्या हो रहा है? ये रखिए यीशु। ये लाया बीरा खास जनाब के लिए। अंकल मोहराम दले भाई पी के। अरे ये तो वही आदमी जिसे मैं मारने गया था। बकरा खुद शेर के मुंह में आ गया। हिम्मत आ जाएगी। तुम मैं लड़की लेके भागना। देखिया रास्ता साफ हो गया। तू दुल्हन बनी है ना, तो मैं भी थोड़ा सा दूल्हा बन जाता हूं। क्या है? क्या इरादे हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लड़की लड़ेगी। अच्छा Thank you.
पीछे कहाँ है? नहीं, सरदार को छोड़ दो वरना इसे गोली मारूंगा। जाओ, आराम का भी बना लो। बंदूक चलाकर सरदार ने हमें किसलिए बुलाया? दुश्मन काबू में है तो मनाओ जश्न। पियो 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 पियो, प्याले भर भर के चढ़ाओ। साहब बहादुर, मेरे बेटे को जेल से छोड़ने का हुक्म जारी कीजिए, नहीं तो आप दोनों को यही खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहां का साहब बहादुर हूँ? मैं तो खुद जेल से भागा हूँ। मेरा बेटा तो जेल से भाग नहीं सका, पर आप कैसे निकल आए? मुझे भगवान की देन है। मैंने प्रार्थना की है भगवान ने मुझे बचाने के लिए। भूत भूत भेज दिए भगवान ने? अरे ये शेरों की गुफा है, देखते हैं भगवान तुम्हें बचाने के लिए यहाँ क्या भेजता है। भूत भेज दिए तुम तो हमारे बेटे को छुड़ाने गए थे। वहाँ तो भूत ना जैसे प्रधान, और आपका बेटा डर के मारे चिल्ला रहा था। प्रधान पापा पापा, और सब सिपाही बेहोश हो गए। मैंने तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना की थी। तो फिर अब आखिरी प्रार्थना कर लो। हरे कृष्णा हरे माधव। कोई नहीं आया? हमारे माधव शायद सो रहे होंगे। एक बार और पुकारो। सरदार से मत मारो, अनंत हो जाएगा। सरदार हरे कृष्ण हरे माधव, हरे माधव हरे कृष्ण हरे माधव, हरे माधव हरे माधव हरे माधव। प्रभु आपने दर्शन दे के मेरी लाज रख ली। प्रभु क्रोध से कांप रहे हैं। शांति शांति शांति। महाराज ये डाकुओं के सरदार है, शेर है। तथास्तु धर्मं भ्रष्टं महाकष्टं शनि अष्टम। महाराज ये मूर्ख लोग गीता की भाषा नहीं समझते, इनसे 20वीं सदी की जुबान में बात कीजिए। ओके जय हो जय हो जय हो। प्रभु बंसी की मधुर तान छेड़कर इनको मोहित कीजिए। प्रभु इन मूर्खों को विश्वास नहीं आता, इसलिए कुछ चमत्कार दिखाइए। Thank you.
मेरे साथ आओ और बाकी सब घेरा डाल लो। देखो काम होशियारी से होना चाहिए, होशियारी से। ट्रांग क्रीम क्रीम, तुम शेर हो, शेर, शेर। ये तुम्हारा लीडर किधर है? कितने फुटता, कितने फुटता? समझ गया, फुट गया ना? किधर फुट गया? चार हो गए, असली अफसर जरूर वक्त पे पहुंचेगा। नमस्कार जनाब। मैं ड्राइवर हूं जनाब, साहब वो हैं। नमस्कार जनाब, मैं यहाँ का डीसी हूँ और ये मेरी मिसिज है। नमस्ते जी। हाँ जी, ये मेरी दो बेटियां। आइए, ये यहाँ के डॉक्टर हैं जी। मैंने एक गोली बनाई है जिसके खाने से लड़का लड़की से दूर भागता है।
भारत की जनसंख्या की समस्या हल हो सकती है। आज इनकी शादी मेरी भतीजी से हो रही है। आप गोली मत खाइएगा। आप मेरी भतीजी से मिलिए, आइए आइए, आप आइए आइए, इनको छोड़िए। जी साहब, जनाब ये मेरी भतीजी है, आपके आशीर्वाद के लिए खड़ी। मुबारक हो, मुबारक हो। डॉक्टर, यू आर अ लकी मैन। थैंक यू सर। आइए जनाब, आपको एक बहुत बड़ी हस्ती से मिला हूँ। 420 है, लफंगा है, बहुत बड़ा बदमाश है। जनाब बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या मुश्किल है। हाय मालदेव, कैसे हो? हाय सर। साहब यहाँ कैसे? आप तो छुट्टी भी थे। छुट्टी मनाने यहीं चला आया, मुझे शक था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इन सब के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। गुड शो सर, गुड शो। अभी तक सिगरेट पीते हो? जनाब जनाब ये हमारे बॉस हैं, सीबीआई के बहुत बड़े ऑफिसर। आप अपने इस्तीफे की तैयारी कीजिए और इस्तीफे के साथ साथ हमारी शादी की धूमधाम से शादी मनाई जाएगी। दोस्तों अस्तीफा धूमधाम से मनाया जाएगा। चबाही 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 चब